टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की है वो मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि देश के उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी है। राजकुमार चहर हमारे साथ में है। राजकुमार, जिस तरीके से जो है ये अपमान किया गया है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि बेहद दुखद है ये। निश्चित रूप से बेहद दुखद है। कल जिस प्रकार से संसद भवन की सीढ़ियों पर बैठकर कांग्रेस पार्टी सहित सभी विपक्षी जो घमंडिया गठबंधन है उनके सांसदों ने घोड़ा प्रदर्शन किया, और हद तो तब पार हो गई जब टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने देश के उपराष्ट्रपति, जो संवैधानिक पद पर आते हैं, एक सीनियर सिटीजन भी हैं, वो किसान के बेटे भी हैं और जाट समाज से आते हैं, उनका उपहास उड़ाया, उनकी एक्टिंग की, उनकी मिमिक्री की, और उनके शारीरिक जो ढांचा है, उनका स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी उन्होंने व्यंग किया और उनकी मजाक उड़ाई, और बेशर्मी की हद और पार हो गई जब कांग्रेस पार्टी के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी ने अपना स्वयं का मोबाइल निकालकर उस पूरे घटना चक्र को, जो अपमानित करने का घटना चक्र था, उसको अपने मोबाइल में कैद किया, और वहीं उनको इशारे करके ये भी कहा कि इस तरह से आप एक्टिंग करके दिखाइए, इस तरह से आप एक्टिंग करके दिखाइए। तो बेशर्मी की सीमाएं पार की हैं राहुल गांधी ने। ये किसान समाज इनको माफ नहीं करेगा। पहले भी आपको याद होगा कि मोदी समाज का पहले भी ये मजाक उड़ा चुके हैं ओबीसी समाज का। अब जाट समाज से आने वाले और किसान के बेटे और देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का भी उन्होंने मजाक उड़ाया है। देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। तो आप लोग विरोध प्रदर्शन आज कल 21 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे देश भर में हर जिले में घमंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के पुतले दहन के कार्यक्रम और प्रदर्शन करेगी। यानी साफ तौर पर ये जो है अपमान देश के उपराष्ट्रपति का है, राज्यसभा के चेयरमैन का है, जाट समाज का है और किसान के एक बेटे का है। और इसी मुद्दे पर अब बीजेपी कल देश भर में करेगी विरोध प्रदर्शन। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।